स्मार्ट सिटी धर्मशाला के बस अड्डे का क्या हाल हो सकता है, जहां पूरे वर्ष देशी व विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। अगर आपको ये सब देखना है तो पर्यटन स्थल धर्मशाला और दूसरी राजधानी का तगमा प्राप्त करने वाली स्मार्ट सिटी धर्मशाला के बस अड्डे में आइए। अपनी आंखों से देखिए कि इस अंतर्राज्यीय बस अड्डे का क्या हाल है। ये बस अड्डा आपके स्वागत के लिए अपनी बदहाली के आंसू के तौर पर खड़ा हुआ दिखेगा। दर्शकों से अंतर्राज्यीय बस अड्डा अपनी दयनीय हालत पर आंसू बहा रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अभी तक इस बस स्टैंड की हालत को सुधारने का किसी ने भी कोई काम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के बस अड्डे के क्या हाल हो सकते हैं, जहां पूरा वर्ष देशी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। अगर आपको ये सब देखना है तो पर्यटन स्थल धर्मशाला और दूसरी राजधानी का तमगा प्राप्त करने वाला स्मार्ट सिटी धर्मशाला बस स्टैंड आइए और अपनी आंखों से देखिए कि इस अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे के क्या हाल हैं और ये अड्डा आपके स्वागत के लिए अपनी बदहाली के आंसू बहाते हुए खड़ा तैयार मिलेगा। दर्शकों से ये अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा अपनी दयनीय हालत पर आंसू बहा रहा है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन अब तक बस स्टैंड की हालत को सुधारने को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। 2 साल पहले शिलान्यास होने के बावजूद ईंटों के फेर में फंसा हुआ है और आधुनिक किए जाने की रात आक रहा है। 20 करोड़ से प्रस्तावित 4 मंजिला बस स्टैंड का कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसके कारण हर दिन देशी विदेशी पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को बस स्टैंड पहुंचकर परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं। गौरतलब रहे कि धर्मशाला विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का आधी रात को अकेले औचक निरीक्षण किया था। अब देखना ये होगा कि इस बस अड्डे का लटका हुआ निर्माण कार्य कब शुरू होता है और यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को इस बस अड्डे में सभी सहूलतें कब मिलने शुरू होती हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मशाला पंकज चड्डा ने बताया कि धर्मशाला टर्मिनल को अब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाई है। फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाने के बाद हेडक्वार्टर शिमला द्वारा कार्य जल्द शुरू किए जाने की प्रक्रिया चलाई जाएगी। सर, धर्मशाला में एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो है बनना था, 2 वर्ष शिलान्यास हुए हो गए हैं सर, उसका क्या स्टेटस है सर? जो धर्मशाला में जो ISBT बनना है वो BOT के तहत बनना है और उसके लिए जो है 2 FCA cases हमने बनाए हुए हैं और दोनों FCA cases, एक तो जो हमारी एडिशनलिटी ऑफ लैंड है उसके लिए है और सेकंड जो है वो हमारा कटिंग ऑफ ट्रीज के लिए है। तो दोनों जो FCA case है हमने उनकी आवश्यकताएं पूरी करके वो हमने कंसर्न विभाग को भेज दिया है और जब भी वहां से हमारे को FCA cases की क्लियरेंस जाएगी उनको हम बकायदा हमारे अपने मुख्य कार्यालय को भेजेंगे और उसके बाद जो आगे के आदेश आएंगे उसके तहत ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा।